रवि ऋतु जाई खरीफ ऋतुर धान किणा बिका प्रक्रिया पंजीकरण आरंभ हो जाइथिबा बेले एबे मध्य रवि ऋतुर धान रो अभावी बिक्री एबे भी लागी रही लगातार भावरे आमे जो चित्र देखौतलु 18 दिन हला जो बरगढ़ जिलार अतावीरार विभिन्न सरकारी कार्यालय गुड़ी करे चाषी माने ओडिसा राज्य कृषक संगठन तरफ आंदोलन डकरा दिया जाइतला एवं जो चाषी माने रहितले समय तांगा धान अवस्था को भर्ती करी आंदोलन जारी रखी चंती। आज 18 नंबर दिन हला चाषी माने आंदोलन करू चंती जो रवि ऋतुर धान से माने बिक्री करि पारि नांती एबे भी आपण चित्र सलक चित्र देखि पारु चंती जो रही जो चाषी माने चाषी संगठन तरफ आंदोलन डकरा दिया जाइछि किंतु ता एबे भी जारी रहिछि। आमे सीधा पछि लोग पचारिबा कोन कहिबे जेहेतु रवि ऋतु जाई एबे खरीफ पई पंजीकरण आरंभ हलाणी किंतु आपण माने रवि धान बिक्री करि पारलेनी एबे भी आंदोलन बसि रहि छथि। सरकारंकर धान किणा नीति गोटे विचित्र नीति जे जेनटा आम आगर देखुल जे मासे तक टोकन व्यवस्था टोकन तो लागू कले से मासे तक थिला मासेरे आम धानटा बिकी पारुलु किंतु यहाँ से बार दिन कोईने बार दिन या टोकन व्यवस्था कभी भी व्यवस्थित नुहे कारण बार दिन पाणीपाग कृषि श्रमिक आर परिवहन व्यवस्था तीनटा सुचारू रूपे हला परे जे गोटे चाषीटे मार्केट आड़के धान आनी पार्सी आर जेनटा कि आजिवार दिन आम चाषी मान लगे बार दिन संभव नुहे। कोविड पीरियड रे भी आम बार दिन बहुटे चाषी भाई आम कोविड आक्रांत थे टोकन लैप्स होगा आज भी अतावेरा ब्लक में 650 ऊर्ध टोकन लैप्स होकरे आर लैप्स हो टोकन और धान बिकी ना पारे बोली आज 18 दिन हलान आम आंदोलन में बसीचु अफिस् मानक धान भर्ती करें आम बसीचु तथा सरकार कुंभकर्ण निद्रा नुह भांगे कि मैंने आमको पचरा भी नुह जे इधर व्यवस्था काण करा बोलिकी गोटे दुखर कथा आर जेनटा बर्तमान राजनीति स्तर में देखवार के गले बीजेडी और बीजेपी जेन से काद फिंगाफुंगी हो केन्द्र राज्य के नहींकरी से गोटे चाषी से भितर पिशवाटा पिशी हबार्टा गोटे दुर्भाग्यजनक कथा जेनटा कि आम चाषी कूल लगी से हित कभी भी नुह आरु सरकार जदि आम जेतकी आम दाबी जेनटा रही है जे टोकन व्यवस्था टाके मैंने आटे कोहल करसे मसे करते कि आम धानटा जेनटा अच्छे टोकन जेनटा लैप्स होती से टोकन के जदि धान चाषी मान हाथ अच्छे टोकन अच्छे किंतु टोकन लैप्स होती से धान के घिनी नेते बोले चाषी कूलर बहुत मंगल होता आर काद पिकापुकी राजनीतिटा दयाकर बंद करते राजनीतिक दल मैंने बोले बहुत बढ़िया होता कण कहे जेहेतु आपण मैंने टोकन पाई सरकार कौन अवधि सरीगलान आउ धान किणा नहीं जाए टार्गेट फुलफिल हो आमको बारंबार आम जनप्रतिनिधि जिन अच्छे से प्रतिश्रुति आसते सब चाषी सब धान इवन गजा धान भी बिक्री होगा बोल कर लगे चाषी मैंने बहुत आशा करूँ आउ लास्ट मोमेंट रे बोले जिते बेले टाइम सरीगला आ धान किणा जाए ना पारे किंतु जेन टोकन नीति इन्हें स्वच्छतार लगे आनीचु बोलचन इटा पूरा पूरी आउटे जटिलता भी करके नहीं गले मैंने आर चाषी लगे पूरा पूरी धान बिकवाटा गोटे असंभव ही थर जेन अव्यवस्था धान बिका हीचे से मैंने जेन मैंने तृणमूल स्तर अच्छा से जानु थे जे चाषी धान केमती बिकीजे तार धान उधार आनी से चाषी बिकला तार धान उधार आनी से चाषी बिकला यहाँ गोटे सिस्टम है यहाँ पॉलिसी है प्रसन्न आचार्य भी कहन जे यहाँ गोटे भल पॉलिसी है इम्प्लीमेंट हो पार्बार बोलिकी यहाँ के गोटे भल पॉलिसी से तृणमूल स्तर आगे आसिक चाषी मान पचारिकी ये करूँ चाषी मान भल लगी प्रत्येक सरकार जेन बीजेडी बीजेपी जे भी अच्छा इन्होंने कैंसी जिनिस चाषी मान भल लगी करूँ बोलचन कि जो चाषी मान चाषी प्रतिनिधि मान पचरा नहीं जबार आर ताकर ताकर जबरदस्ती गोटे गोटे इटा आनी आमर उपरे बड़ नाटकी मानने जबरदस्ती आम मुड उपरे थुचन निश्चित रूपे आउ किसी जो चाषी अच्छा प्रतिक्रिया रखा क्या कहे जेहेतु सरकार कहते टार्गेट फुलफिल होगा आउ धान बिक्री किणा जावा असंभव सरकार सब बेले नुआ नुआ नियम मानिक थोलापर बर्तमान जो धान नीति पाखे थोला से नीति में जब चाषी रेजिस्ट्रेसन कलापर चाषी कार्ड लैप्स हेब का जेन चाषी रेजिस्ट्रेसन कर बात पड़ब से टाइम फुलफिल हवा का करकी अवधि भितर तर घिनबार काम भी इनस्योर्ड हबार कथा जेनटा सरकार से काम कर नहीं पारि इगे संपूर्ण भाव सरकार देगी बर्तमान कथा है जे जेन टोकन लैप्स होगी सेकेंड अप्सन किसी रखला नहीं गवर्नमेंट ये किसम गोटे विचित्र नीति
ଚାଷୀ ଲାଗି କିଛି ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ ନ ସେ ଆଇନରେ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ହିଁ ତାମାନେ ସଫର ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକି ଆଇଛେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମଜବୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାନେ 700 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ମଜବୁରୀରେ ବିକି ନେବା ଲାଗି ତାର ଘରର ଗୁଜରାଣ ଚଲାବା ଲାଗି ଧାନ କ୍ଷେତ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟ୍ର କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏଇ ନୀତିଟା ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥୁଇ ନେଲା ଆମର ଲାଗି, ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ର ସିଷ୍ଟମ ଥୁଇ ନେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ଟିକେ ବୁଝୁ, ଭଲ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆଣୁଛେ ତାହାକେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆଉ ଚାଷୀ ସପକ୍ଷରେ ନୀତି ବନାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଫ୍ CSOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରୁନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯେମାନେ ଏଇ ନିୟମଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିକରି ଇନୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଦେଖୁନ୍, 5-5 ଏକର ଜମି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସିଷ୍ଟମଟା କାଣ ହେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆର୍ ଉପରୁ ଥାଇକିରି ଚାଷ ନାଇଁ କରିକିରି ଉପରୁ ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ନିୟମଟେ କରିକି ଯେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍, କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୁଝି ନା ପାର୍ବାର୍। ସେଥିର୍ଲାଗି କମ୍ସେ କମ୍ ଯେନ୍ ଯାଦବ ଅଛ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ତାହାକୁ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକିରି ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉନ୍, ସେ କେତେ ସହଜ ଆକି କଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ ଯେ ସମୟ ସୀମା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସମୟ ସୀମା ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଆଣିଲେନି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ। ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ଜମି, କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, କେତେ ଏକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, କେତେ ଧାନ ଘିନା ହେଉଛି, ଆମର ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ ହିଁ ସେ ଡାଟା ନାଇଁ ମିଳିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ସେତ୍କି ଜମିର ଧାନ କମ୍ସେ କମ୍ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରତେ, ସେତ୍କି ଗଲେ କେନ୍ସି ନ ନାଇଁ ଘିନ୍ବାର୍, ଆର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ଫୁଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଏକର ଜମି ଚାଷ ହେଉଛି, କେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, କେତେ ଧାନ ଘିନା ହେଉଛି, ସେ ଡାଟା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନେ ଦଉନ୍, ଆର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେମିତି ପୁରା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବତଉନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣା ବିକା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାନର ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଟୋକନ୍ ଅବଧି ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ଟୋକନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଣା ବିକା କରାଯାଉ। ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।